पत्ते। अभी हम आ गए हैं अपने किचन गार्डन में और देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। ये है अजय, हमारे बहुत ही अच्छे कुक। तो ये वैसे भी हिमाचल के हैं, हिमाचल में अरबी के पत्ते बहुत यूज होते हैं। तो अभी ये काटेंगे और आपको पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे कि अरबी के पत्तों की सब्जी कैसे बनती है। इसको हम काट लेंगे डंडी समेत। ये देखो इतना लंबा पत्ता हमने काट लिया है। दो कितने पत्ते बहुत होंगे अपने को? बस तीन से हो जाएगा। अच्छा, हम दो लोग हैं हस्बैंड वाइफ, तो उन्हीं के लिए सब्जी बनेगी। तो कहते हैं कि तीन पत्ते हम दो के लिए बहुत होंगे ना, थोड़ी सी ज्यादा बनाना, उस दिन कम थी। एक पत्ता और ले लो। हाँ हाँ, क्योंकि वो पालक की तरह थोड़ी सिकुड़ जाती है ना फिर। तो ये मैंने अरबी और हल्दी साथ साथ लगा रखी है। हमने एक दिन पतोड़े भी बनाए थे तो बहुत ही अच्छे पतोड़े बने थे और हमने दो दिन खाए। ये लगा दिए बैंगन। अच्छा, बैंगन लगा दिए। बैंगन के मैंने पौधे मंगवाए थे आज दो तीन। तो कहाँ हैं? अच्छा, ज्यादा छोटे ही हैं। चलो कोई ना, हो जाएंगे। वो तो ज्यादा बड़े थे फिर मैंने लाया वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, छोटे वाले कर दिए। अच्छा चल भाई सुरेंद्र, वो फिर अमरूद भी तोड़ लेते हैं। मैं टोकरी तो लेके आई हूँ, इसमें पत्ते तो रखे नहीं। इनका है ना जूस सा जो गिरता है, ये भी बता देते हैं। जो इनका ये जूस सा गिरता है डंडियों में और पत्तों में से, ये अगर व्हाइट या कोई भी प्लेन कपड़े में लग जाए तो ये उतरता नहीं है कैसे भी, ऐसा ही है ना? हाँ, तो चाहे कितना ही रगड़ लो, कुछ भी लगा लो, हैं, निशान बन जाएगा, निशान बन जाएगा कपड़ों पे। तो ये जब भी आप अरबी यूज करो या अपने खेत की अरबी है तो जैसे भी यूज करो तो इसको दूर रखो कपड़ों से। और वो मेरे वो बच्चिये आ गए हैं भाई, वो देखो उनको भी खाना देना है। छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं, उनको भी खाना दे के आती हूँ मैं। वो भाग गए। अपने वालों की आवाज सुनी है तो भाग गए हैं। ये देखो, चल भाई आजा फिर हम अमरूद तोड़ लेते हैं। चल, क्या नाम अजय? आप चलो। मैं इस तरफ से। अजय इस तरफ से जाना है। चलो हम उस तरफ जाना है, हमने मेरी काफी लंबा चौड़ा किचन गार्डन है तो आपको आज दिखा भी देती हूँ पूरा। ये मेरा एक छोटा गेट है, इसको पार करना पड़ेगा हमें, फिर इसको पार करना पड़ेगा। ये एक पार कर लिया हमने, अच्छा दूसरा पार करेंगे। एक दिन हमने एक तोड़ा था तो उसमें कीड़ा निकला था। ये दशहरी आम का पेड़ है, इसके अब की बार बहुत आम हुए थे। और ये है अमरूद का पेड़, मैंने एक दिन आपको दिखाया भी था। ये देखिए, ये अमरूद लगे हुए हैं। तोड़ सुरेंद्र, कौन से तोड़ेगा? ये भी बहुत बड़ा हो रखा है, ये देखो। अरे ये देखिए, हाँ ये वाला। अच्छा तोड़ लो फिर, ज्यादा पके में तो कीड़े हो जाते हैं। तो आज हम इन दो तीन अमरूद तोड़ लेते हैं। ले टोकरी में डालो। वाओ, इतना बड़ा। अब ये देखो निकलेगा कैसा। ये देखिए आधा आधा किलो के एक एक अमरूद हैं। किस्म तो बहुत अच्छी है लेकिन इस मौसम में किस्म कोई काम नहीं करती। अब किसी को पता हो तो ये बताइए कि हम इसमें क्या दवाई डालें। चलो एक और है वैसे तो, अगर तोड़ लिया जाए तो। हाँ तोड़ ही ले फिर। चलो ये हमने तोड़ लिए हैं चार अमरूद। और ये हैं हमारे स्वर्ण रेखा आम की किस्म। ये भी पके तो नहीं ना? अभी देखना दबा के थोड़ा है ना, रहने दो। वैसे भी कल तोड़ा था वो खट्टा था थोड़ा। चलो अभी हम चलते हैं फिर अरबी के पत्तों की तरफ अमरूद लेके। तो रख देते हैं हम यहाँ सेफ और अभी हम देख लेते हैं कि इनको कैसे करते हैं। तो इनके ऐसे जो पत्ते के पीछे डंडी है इनको छोटा छोटा टुकड़ा काट लेते हैं और इनको छील लेते हैं, है ना। इनका हम ऊपर से जैसे सरसों की उसकी डंडी की वो उतारते हैं वैसे ही ऐसे चाकू से ऐसे उतार देते हैं। ये बस सबको, हाँ अच्छा, बस ऐसे निकल जाएगी आधा काट के। जब आधा कट जाता है तो सारी डंडियों को हम ऐसे कर लेंगे और क्या करेंगे फिर? उबालेंगे इसको, उबालेंगे हल्का सा, पत्ते काट के बारीक। अच्छा, अभी मैं उनके लिए दूध और रोटी ले ली है और अभी उन छोटे छोटे बच्चों को जो अभी इधर उधर खेल रहे थे उनको दे आते हैं। मैं कई काम साथ साथ करती हूँ तो अभी उनको रोटी देने के बाद फिर हम
अरबी की सब्जी का आगे देखेंगे, क्योंकि अभी वो छील छूल लेंगे। ये देखिए ये आ गए हैं सारे के सारे। किसी ने अडॉप्ट करना है तो इसमें से कोई अडॉप्ट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। और वो दादाजी और पोती डर गए थे अभी इनसे। पोता है पोती आ जाओ, इनको खाना देते हैं, ये कुछ नहीं कहते। हाँ चलो ये डाल दूं पहले, ये लो खाओ। मैं आज बड़ी प्लेट ले आई थी, ओहो बेचारा भीग गया। खा लो सारे खा लो। ये देखिए थोड़े मोटे ताजे हो गए हैं खा के रोटी। आ जाओ। अच्छा तू कहाँ था? ये एक बाकी है, ये वहां मिट्टी में बैठा था शायद। उस तरफ खोद रहा है कुछ। क्या खोदा है इसने? घर बना रहा था यहाँ। ये देखो यहाँ से खोद खाद के गया ये। ये मेरी सब्जी है। और वो किसको घुमा के ले जा रहे हैं। चलो खा लो। किसी ने अडॉप्ट करना है तो इनको कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। और ये जो हम ये लाते हैं ना विदेशी किस्म के, उनसे तो लाख गुना अच्छे हैं। ये रखवाली भी बहुत अच्छी करते हैं और बड़े प्यार से रहते हैं। और ये अंदर रहने की जिद नहीं करते, इनको एसी कूलर कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही बड़े हो जाते हैं ये। तो ये हो गया इनका खाना शाम का, सुबह का सुबह देखेंगे। और आज बारिश बहुत हुई थी तो सड़कों पे पानी पड़ा है, अभी लोग निकलना शुरू हुए हैं इधर उधर। तो अभी हम चलते हैं फिर से। ये माँ का ढूंढ रही हो? कहाँ ढूंढ रही हो यहाँ हैं? चलो खाना खा लो तुम भी। एक बार फिर घर चलते हैं। ऊपर मेरे फ्लैग बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए। ये गायें भी आना शुरू हो गई हैं। वो एक उसको घुमाने ले जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कई ये आ गए हैं। ये देखो ये कितने इनको टिकड़े नहीं देते। चलो मैं तो चलती हूँ। मैं आ गई हूँ घर और देखते हैं कि किचन में अभी क्या चल रहा है। और ये भी बाहर घूमने के लिए बेचैन हो रहे हैं। खाना इन्होंने भी खा लिया है? खाना खा लिया ना इन्होंने? अच्छा अभी इनका खाना तैयार हो रहा है। ये हमने जो पत्ते के पीछे की डंडी थी उनको छील के उबालने के लिए रख दी है। और ये पत्ता काट लिया है? नहीं अभी दे रहे हैं। और क्या कर रहे हो? अच्छा पत्ता ही काट रहे हो। तो ये जब थोड़ी सी ये उबल जाएगी तो हम पत्ते डाल देंगे, क्योंकि पत्ते बिल्कुल कच्चे होते हैं, ये बहुत जल्दी उबल जाते हैं। तो इसमें एक उबाल आने तक हम इसको पका लेते हैं। ये पत्ते हमने उबाल लिए थे, पत्ते और डंडी, और उनको पानी निकाल के हमने मैश कर लिया। और हमें एक चाहिए आलू, क्योंकि हम दो लोग हैं तो दो के लिए एक आलू काफ़ी है। और थोड़ा सा लहसुन अदरक और ये प्याज और मसाले। क्या क्या चाहिए वो बताइए जी। हल्दी, मिर्ची और धनिया, अमचूर पाउडर। अमचूर इसमें जरूरी है इसके लिए। हाँ अमचूर कहते हैं इसमें, जरूरी है, नहीं तो गले में लगता है, बनती हैं, लेकिन अमचूर जरूरी है। तो अभी हम डालते हैं, सबसे पहले जीरा हमने डाल लिया है, थोड़ा सा और डाल देंगे। बाकी मसाले वही डालते हैं, जैसे हल्दी, मिर्च, नमक और धनिया। तो अब डाल देते हैं हम प्याज। देखिए आप, लाइव डेमो है ये, समझो। ये प्याज थोड़े हम सोते कर लेते हैं। तो प्याज हमारे सोते हो गए हैं और अब हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें अरबी में आयरन बहुत होता है, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो इसमें हम टमाटर नहीं डालेंगे और डालनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि टमाटर में भी आयरन होता है और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा आयरन होता है। तो खानी ज़रूर चाहिए, जब पालक नहीं मिलती तो अरबी खानी चाहिए, तो वो आयरन की कमी पूर्ति होती रहे। और अब हम डाल देंगे मसाले साथ के साथ। सबसे पहले हल्दी डालेंगे। हरी सब्जी है तो हल्दी कम नहीं? हाँ हरी सब्जी में हल्दी कम डालनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो उसका टेस्ट और कलर खराब हो जाता है। और अब हम डाल देंगे क्या ये? धनिया। अच्छा धनिया पाउडर। और डाल देंगे हम अमचूर। अच्छा अमचूर इसी स्टेज में डाल देते हैं। अमचूर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, क्योंकि अरबी की है तो अरबी के वैसे ही हाथ में भी ये लग जाते हैं। तो हाथ में भी तेल लगा के इन पत्तों को यूज़ करना चाहिए, जब काटते हो या इसका छीलते हो, अरबी को भी छीलते हैं तो उसमें तेल या घी ज़रूर लगा लें। हल्का सा हम पानी डाल देंगे कि मसाले अच्छे से घुल मिल जाएँ।
अच्छे से पक जाएं। और अभी हमने आलू तो उबाल लिया था ना, हाँ पहले आलू डालेंगे। आलू को उबाल लेना चाहिए क्योंकि ये जब अरबी और पत्ते उबले हुए होते हैं तो अगर आलू कच्चा होगा तो उसको टाइम बहुत लगेगा, अगर उबाल लेते हैं तो फटाफट बन जाएंगे। तो अभी हम डाल देते हैं इसमें आलू, हाँ मसाले की कोटिंग भी हो जाएगी, हाँ ये आलू पर मसाले की कोटिंग भी हो जाएगी और ये थोड़े कुरकुरे भी हो जाएंगे, भुन भी जाएंगे। तो अभी हम एक मिनट के लिए आलू को पका लेते हैं। तो आलू हमारे भुन चुके हैं और अब डाल देते हैं हम जो हमने अरबी की डंडी और अरबी के पत्ते जो बॉयल किए थे, और अभी हम इसको कर देते हैं मिक्स। तो ये ऐसे इसको मिक्स कर देना है। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर दी है और अभी बस इसको एक दो मिनट में ये पक जाएगी। और चुन चुन भी देखने के लिए आई है सब्जी को ये भाग रही है, गर्म लग रही है इसको। बस एक या दो मिनट की हम वेट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसकी रंगत और इसका टेक्सचर की कैसा होता है। इतने हम चुन चुन को दूध दे देते हैं, मरे जा रही है वो। अभी मैंने इसको नीचे पटक दिया है, कहते हैं इसको पास में नहीं लाना चाहिए। आप बताना कि इसको हम हाथ में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अभी तो मैंने इसको नीचे फिर डाल दिया था, भैया बोला इसको इसके पास नहीं लाना किचन के। तो पकते पकते हमारी सब्जी को दो मिनट हो चुके हैं और सब्जी हो गई है तैयार। क्योंकि सब कुछ उबला हुआ था, आलू का रंग भी अरबे के रंग में रंग गया है, थोड़ा हल्का हरापन आ गया है। और इतना हम इसको रखेंगे थोड़ा ये लटपट सा। तो अब हम इसको कर देते हैं गैस को बंद, पहले इसको ढक देते हैं और गैस कर देते हैं बंद। सब्जी है तैयार, इसको चाहे चावल के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, नान के साथ खाओ, किसी भी चीज़ के साथ खाओ, बहुत ही टेस्टी लगती है। और अभी हम देख लेते हैं जो अमरूद हम तोड़ कर लाए थे, एक दिन हमने तोड़ा था, वो ज़्यादा पका हुआ था तो उसमें तो बहुत कीड़े निकले थे, लेकिन ये हम थोड़ा सा कच्चा तोड़ के लाए हैं। तो इसको देखते हैं कि ये कैसा निकलता है। ये हम चार अमरूद तोड़े थे तो आज एक काट कर देखती हूँ। तो हम छील लेते हैं, पहले ऊपर से काट लेंगे, हल्का छील लेते हैं, पहले एक बार काट के देख लेते हैं कि निकलेगा कैसा। अगर कीड़े वाला निकला तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको यूज़ करने का, अगर ठीक निकला तो देखते हैं। चलो अब छिला गया, वैसे तो सॉफ्ट हो रखा है, हल्का हल्का छील लेते हैं। वैसे ऑर्गेनिक है, ना भी छिलो तो कोई बात नहीं, कौन सी हमने इस पर स्प्रे कर रखी है, लेकिन फिर भी थोड़ा छिलका कड़वा होता है। ये मैं काट रही हूँ और इसको देखती हूँ कि कैसा है। अरे वाह देखो, बहुत ही अच्छा अमरूद निकला है। सॉफ्ट और मीठा, तो इसका मतलब ये है कि आजकल के अमरूदों को ज़्यादा पकने मत दो, थोड़ा सा टाइम से पहले ही काट लो। ये अभी भी पूरा पका हुआ है, सॉफ्ट है बिल्कुल और बहुत ही मीठा है। थैंक यू।